पापा ने जो वादा किया था कि 25 लाख की FD और 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है मेरे हस्बैंड के नाम कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पापा बहुत ज्यादा सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो मैं आपको लोग कुछ 4-5 दिन बाद बताऊंगी कि मैं क्या फैसला है मेरा। चलो चलो आप रो मत, क्या बात हो गई अब बताओ मुझे। मैं कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। देखो आप घबराओ मत ना, हम आपके साथ हैं, मेरी ऑडियंस आपके साथ में है, तो आप इतना रो क्यों रहे हो बताओ मुझे। पापा की मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। पापा की तबीयत खराब है, अभी तक बात नहीं हुई है फिर दोबारा? नहीं, एक बार हुई थी, कल ही हुई थी, अभी तक होश नहीं आया। पापा को होश नहीं आया हुआ तो आप रो मत, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा ना। मैं क्या करूँ, ये सब समझ नहीं आ रहा है। देखो कुछ, देखो मेरी बात सुनो, आप रो मत, हम आपके साथ में, इधर देख के बात करो आप। ये जो ऑडियंस है ये आप पे भरोसा कर रही है, आपको मदद करेगी, आपने पाल दीगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, हम आपके साथ है, मेरी ऑडियंस आपके साथ में है, आप रो मत, परेशान मत हो। देखो आप रो मत, परेशान मत हो, हम आपके साथ में है ना। पापा कहाँ, हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल अभी तक होश नहीं आया उन्हें। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये पिछले 5 घंटा से इस पार्क में बैठे हुए हैं और हॉस्पिटल यहाँ पे है, हॉस्पिटल है ये, हॉस्पिटल के बाहर में बैठ के बेचारी रो रही है और मुझे कॉल करके बुलाई थी इन्होंने, और इन्होंने बोला था कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ अपनी बच्ची को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, और इन्होंने जो वीडियो बनवाया था उसको लेकर भी परेशान है, क्योंकि ये शादी करेगी, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा और टाइम वक्त दे दो, क्योंकि इनकी पापा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, ये समझ नहीं पा रही कि क्या करो। देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, आप रो मत, आप कुछ बताना चाहते हो ऑडियंस को? कुछ कर भी कह सकती हो। मैं समझ रही हूँ ना, आप हम मुझे बुलाए थे कुछ बात करने के लिए ऑडियंस, आप क्या बोलना चाहते हो ऑडियंस? यहाँ पे देख क्या बात करो, फोन में देख क्या बात करो। तबीयत खराब, अभी तक उनको होश नहीं आया, कल थोड़ा सा बात किए थे, उसके बाद दोबारा बात नहीं किया। आप मुझे एक चीज बताओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, हम है ना आपके साथ में, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आज आपने मुझे बुलाकर कैमरा रिकॉर्ड करवा रहे हो फोन में, क्यों, क्या, और उन लोग को क्या बोलना चाहते हो जो काफी ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं? आपको पता है कंटिन्यू मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कितने सारे मैसेज आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपको ये बात पता है ना? वो समझ नहीं रहे हैं, मैं इनको बोली तो 4 दिन बाद मैं बोल दूंगी, उनसे बता दूंगी बात क्या है, पहले अपने पापा की तो देख लो, उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि उनको अभी तक होश भी नहीं आया सुबह से। मैं समझ रही हूँ, लेकिन देखो आप रो मत, इस तरह रो मत ना, हिम्मत हारने से थोड़ी ना होता। मैं कहाँ जाऊँ? देखो आप, मैं आपका जितनी मजबूरी है मैं समझ रहा हूँ, आप प्लीज आप रो मत। दोस्तों इनके पापा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुका है, एक दिन से ऊपर हो चुका है, अभी तक दोबारा बात नहीं हुआ, एक ही बार बात हुआ था, और ये काफी ज्यादा परेशान है, पिछले बार आपने देखा ही था, ये लाइव आकर सारी बातें इन्होंने बोली थी, और 5 दिन का वक्त मांगा था जब तक इनके पापा ठीक ना हो जाए। मेरे पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मुझे पता नहीं था। दोस्तों प्लीज आप लोग इनके पापा के लिए दुआ करें, ये काफी ज्यादा परेशान है, ये अभी हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रो रही है, हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रो रही है, अपने पापा के लिए दुआ मांग रही है, तो प्लीज आप लोग भी इनके पापा के लिए दुआ मांगो, और जितने भी कमेंट्स आप कर रहे हो, मेल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे मेरे DM कर रहे हो, तो थोड़ा सा वक्त दो, समय दो, ताकि ये कुछ सोच सके, समझ सके। आप देखो घबराओ नहीं, आपने मुझे बुलाया तो मैं आपकी मदद करूंगा, और प्रॉपर ये आप जो बातें बोल रहे हो सारी चीज मेरे फोन में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, और आप ऑडियंस से कुछ बोलना चाहते हो इधर देख के बात करो, सबसे पहले क्या बोलना चाहते हो बोलो। देखो आप रो मत, मैं समझ सकता हूँ, समझ रहा हूँ, वो मैसेज कर रही है मेरे पास, जो उनको मैं पहले तो 4-5 दिन बाद बताऊंगी, मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मैं भी इतना जल्दी फैसला नहीं ले सकती बिना पापा से पूछे। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन आपको तो पता है ये चीज, आपकी वीडियोस कितनी ज्यादा कितने ज्यादा लोगों ने देखा है, वो लोग कंटिन्यू कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो उनको मैं बोल रही हूँ मैं 4-5 दिन बाद बोल दूंगी आपके, अभी तो जल्दी मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो आप रो मत, हिम्मत से काम रो, ये चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज आप मैसेज दे सकती हो मेरे थ्रू इस वीडियो में, ये वीडियो मैं अपने पेज पे अपलोड कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं ना। देखो आप रो मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, प्लीज
मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन ना लो। अभी मैं खुद परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और अभी तक आपने कितने कॉल पे बात कर चुके हैं? अभी भी कॉल भी आया था, काफी लोगों को लाया, 10-15 लोगों को अभी भी कॉल आया था। दोस्तों मैं करीबन बता दूं, उनको कॉल भी नहीं रिसीव कर पा रही हूँ। दोस्तों अभी कॉल मैसेज का अभी रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा, इसके पीछे का रीजन है कि उनकी ये काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पापा पिछले एक दिन दो दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये काफी ज्यादा परेशान है, इसके वजह से मेल का ये रिप्लाई नहीं कर पा रही है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही है, कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही है। तो प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा 5 दिन का समय इसने मांगा ही था। आपको पता ही है इन्होंने लाइव आकर सारी बातें आपसे डिस्कस किया था, उस टाइम भी रो रही थी और इस टाइम भी रो रही है, तो प्लीज इनको मदद करें, इनको सपोर्ट करें। इस तरह आप कंटिन्यू मैसेज करके इनको परेशान न करें, अभी कुछ दिन के लिए। अभी कुछ मत पूछिए, मैं बता दूंगी आप लोगों को 4-5 दिन के बाद, प्लीज 4-5 दिन के बाद बता दोगे। अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला है अभी तक पापा के बारे में आपके? वो कह रहे अभी तक कुछ नहीं बोल सकता मैं, अभी तक होश भी नहीं है उनको, क्या बोलूं मैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये और ये बच्ची आप देख रहे हो, इनकी बेटी है, और इन्होंने इनके पापा ने एक वादा किया था कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा उनको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 25 लाख का FD उनको मिलेगा। इसके बाद से क्या हुआ, 2 दिन बाद इनके पापा का तबीयत ज्यादा खराब हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके वजह से उनकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि अभी जो आप कॉल मैसेज जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा आप सबर करो, आप लोग को स्टेटस के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, रील्स के माध्यम से, तो आप लोग कंटिन्यू इस पेज पे बने रहो, इस पेज पे सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। तो बस आप लोग का प्यार सपोर्ट की जरूरत है इनको, आप लोग प्यार सपोर्ट करो इनको, आप इनको मदद करो, पहले पापा तो भी ठीक हो जाए। मैं समझ रही हूँ, आप देखो घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ, मेरे ऑडियंस है जो आपके साथ है, ठीक है ना। बस मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हिम्मत से काम लो, ठीक है, और आखिरी में कुछ बोलना चाहते हैं ऑडियंस से? थैंक यू सो मच, बस आप लोग 5 दिन वेट कर लीजिए, पापा के ठीक होने के बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगी। दोस्तों बस थोड़ा सा वक्त दे दो इनको, इसको वक्त दे दो, इनको बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। आप कैसे फैसले ले लो, अकेली भी नहीं ले सकती ना मैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, चलो कोई नहीं, आप आराम से थोड़ा सा रो मत, हम आपके साथ हैं, जितने भी ऑडियंस है वो भी आपके साथ में, ठीक है।